वेस्टइंडीज की जमी से टीम इंडिया अब रवाना हो गए। जी हाँ, ये सबसे ताज़ा तस्वीरें और सबसे पहले ये खबर एक्सक्लूसिवली आपके चैनल पे, द फैंस रिपोर्टर के चैनल पे। मेरे लिए ये सब एक्सक्लूसिव है, मेरे लिए ये सब ब्रेकिंग न्यूज़ है जहाँ पर आपको पॉजिटिव खबरें मिलती हैं। हाँ, तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले टीम इंडिया जो है, पूरी टीम इंडिया अपने दो बस में, जो यहाँ का होटल है, होटल मैरियट, वहाँ पर ठहरी हुई थी टीम जॉर्जटाउन से, और वहाँ से टीम इंडिया निकल गई, पूरी बस एक साथ, पूरी टीम। हालांकि अगर खिलाड़ियों के चेहरे पर देखें तो ज़्यादातर के लग रहा था चेहरे पर कि वो थकान है, नींद भी पूरी नहीं हुई। मैंने मजाक में सूर्य कुमार यादव को भी बोला, छेड़ा मैंने उनको, मैंने बोला अरे नींद तो पूरी कर लेते, तो बोला उन्होंने नींद पूरी हो गई है। और हाँ, हो गई होगी क्योंकि कल तो मैच जल्दी खत्म हो गया था। और पूरी टीम, और मुझे अच्छा लगा कि भाई 2-1 की, 2-1 से भले पीछे हैं लेकिन टीम का मूड देख के अपबिट लग रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ पर एक बार हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कई बार राहुल द्रविड़ को लेकर बहुत आलोचना हो रही है, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, वो देखिए क्रिकेट की एक अलग बात है, लेकिन मैंने राहुल द्रविड़ को, एक रिलैक्स राहुल द्रविड़ को मैंने नहीं देखा है। मतलब आलम यह था, जब टीम जा रही थी तो राहुल द्रविड़ मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, कितनी देर है, और वो मजाक कर रहे हैं। और मैंने भी अफोर्ड किया, मैंने भी राहुल भाई से कई बातें कही। ये मैं राहुल द्रविड़ को, मतलब ये मैं कहता हूँ कि मैं उनको करीब 21-23 साल से जान रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरी मुलाकात, इंटरव्यूज़, लेकिन मैं ऑलवेज सचिन तेंदुलकर हों, चाहे सौरव गांगुली हों, वीवीएस लक्ष्मण हों, अनिल कुंबले, इनके साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल हंसे। राहुल द्रविड़ के साथ हमेशा एक संयमित तरीके से बात करता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि वो गंभीर हैं, मजाक नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं वो स्पेस में। लेकिन इस दौरे पर मैंने बार बार आपको स्ट्रेस किया है और ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे इतना रिलैक्स राहुल द्रविड़, इतने खुश मिजाज राहुल द्रविड़ नहीं दिखे हैं इस ड्रेसिंग रूम में। सम हाउ आई डोंट नो ये किसका असर है, युवा खिलाड़ियों का असर है, राहुल द्रविड़ की खुद का एक इवोल्यूशन है, क्योंकि हर कोई सीखता है, हर कोई बढ़ता है। राहुल द्रविड़ की एज ए कोच खासियत रही है कि उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में सीखी है, चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं। तो खैर, उस पर किसी दिन और बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो टीम इंडिया को मैंने देखा, तमाम खिलाड़ी, ईशान किशन हो जाए, शुभमन गिल हो जाए, मुकेश कुमार हो जाए, कुलदीप यादव हो जाए, या फिर अपना ये लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, सारे खिलाड़ी जो है अपना बैक, और बाकी सारे पहले भी जितने, पूरी की पूरी टीम गई। पूरी टीम आज जा रही है फ्लोरिडा, ठीक है, आज का ट्रैवल डे है, आज अब टीम कुछ नहीं करे।
और ये रास्ते में लौटते वक्त मुझे ये दर्शन हुए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मॉस्क मस्जिद चौसगांव में एक बहुत मशहूर जगह है। पहले मस्जिद के आपके दर्शन होंगे और मस्जिद के ठीक बगल में यहाँ पर किस तरह से हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों का जो है अपना एक साथ एकदम बगल बगल में, ये लोकल मार्केट की थोड़ी सी तस्वीर है, ये दिखा दिया मैंने आपको यहाँ पर किस तरह से लोकल मार्केट में एकदम इंडिया के स्टाइल में फल सब्ज़ी मिलता है। तो ये थोड़ी सी मैं आपको झलकियाँ दिखाता हूँ क्योंकि इसी रोड से इंडियन टीम गई है। और ये आपने देखा होगा कि ये मॉस्क है, सबसे पहले मॉस्क आपको दिखेगा और मॉस्क के ठीक बगल में मतलब एकदम ज़रा भी नहीं आप छोड़ोगे, है ना, जैसे देखो ये पास जैसे करोगे आप देख सकते हो, ये कार से मैंने अपनी तस्वीरें ली हैं। मॉस्क के ठीक बगल में ये जो है मंदिर देखो एकदम बगल सनातन मंदिर है कहाँ पर है, जूम इन भी किया। और ठीक मंदिर के बगल में ये देखो ये छोड़ गए एक गिरजा चर्च देख रहे हैं, ये चर्च चर्च आप देख लो। तो तीनों अगल बगल में तीनों धर्म के अलग अलग लोग, और ये गयाना की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हर धर्म के लोग प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और आगे मैं दिखाऊंगा कैसे एक क्रिश्चियन लड़की है, वो जो है क्रिश्चियन लड़की है, उसकी हिंदू फैमिली में कैसे शादी होती है और कैसे वो लोग। अच्छा ये भी एक चर्च मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का सबसे बहुत पुराना चर्च है, लकड़ी का चर्च। ये फैन कल मैंने देखा था, USA से हैं भाई साहब, ये आते हैं डॉक्टर साहब हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं, मुझे जिम्बाब्वे में मिले थे, मुझे फिर एशिया कप में मिले थे। Andre from Pondicherry, India. Big cricket fan? Oh, big fan. I've traveled everywhere, I think, except Pakistan. So, we met couple of occasions. Do you remember those occasions we have met? Yeah, that's what Zimbabwe in the Harare Sports Club. When, Sanjay Samson and Raza was hitting very well. Then in Dubai, in the India-Pakistan match, that was a great match. And the last over, Pandya scored us the winning runs, and it's great here to be in Guyana. So you keep traveling all over the world? I do. What do you do for living? I'm a doctor. Oh my god, great doctor man. Yeah. I wanted to be in your shoes. It's so, not easy, yeah. Time off, but I find time off. I mean in England I watch all the England matches. I mean so you're based out of matches. England? Yeah. Okay, yeah. thank you so much. Thank you. Yeah. I really want to go see the soap opera stars though. So, we all know that in India, when you follow Indian tradition, there is a cricket team and Bollywood. Well, Bollywood songs. So, how popular the heroes or heroines of songs are? Can you just talk about that? They're very popular in Guyana because, as we say, that once they have a show in Guyana, you would find Guyanese supporting them. It doesn't matter what. But you will find Guyanese support, especially cricket. Guyanese, they love their cricket. It doesn't matter what, where, or when.
Once you say cricket, they are here. Even though some of them are out of work, just to visit the cricket. My question, any Indian cricketer you all of you thought of, you know, meeting and... Mahendra Singh, Dhoni and Kohli. Yeah, Kohli. But they're not here, unfortunately. So we're going to be others just to say hi and hello and just to get an autograph. ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ये बात है दो भले ही यहाँ पर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं लेकिन ये फैन है और ऐसे ही जब आप आते हो तो आपको लगता है मैं क्रिकेट किस तरह से जोड़ता है कल्चर को संस्कृति पर मुझे आखिरी दिन ये मौका मिला इन लोगों से मुलाकात उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आएगी ये रिपोर्ट थैंक यू सो मच